हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशास किचन। और आज ताशास किचन में बन रहा है जी बहुत ही मज़े का होममेड चॉकलेट सिरप। बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही इजी टू मेक है। तो चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे मुझे पहले जो चीज़ चाहिए वो है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के बाद मुझे कोको पाउडर चाहिए, मैदा चाहिए और मिल्क चाहिए। शक्कर ऑप्शनल है, अगर आप चीनी यूज़ करना चाहते हैं तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शक्कर ऐड कर रही हूँ। और शक्कर को तो सबसे पहले आप एक पैन में 2 कप दूध, कोको पाउडर और मैदा को मिक्स कर लें। अभी इसके नीचे आपने फायर ऑन नहीं करनी, चूल्हा ऑन नहीं करना आपने। पहले इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। और जैसे ही आपको कोको पाउडर और बाकी तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर आपने इसके नीचे चूल्हा ऑन करना है, ठीक है। ये स्टेप आप अच्छे से देख लें। इसके बाद सेकेंड स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक और पैन में शक्कर डालूँगी और इसमें 1/2 कप पानी डाल के इसको पहले मैं मेल्ट कर लूँगी। उसे क्या होता है कि शक्कर जो है ना उसके अंदर थोड़ा बहुत पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो टेस्ट में फिर अच्छा नहीं रहता। तो उसको साइड पर मैं उसको बॉईल दूंगी और उसका मेल्ट कर लूंगी। अच्छा, यहाँ पर देखें जैसे ही 5 मिनट हो गए, 3 से 4 मिनट में इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। यहाँ भी मैंने शक्कर का पानी ऐड किया और लास्ट में मैं यहाँ पर वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी, ठीक है। जितनी क्वान्टिटी मैंने ली है इसी क्वान्टिटी का आप बनाएँ और इसको यूज़ करें। देखिए कितना परफेक्ट सा बना है, इतना अच्छा और टेस्ट में इतना आला है। आप बनाएंगे, आप इसको चॉकलेट पराठा पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ब्रेड पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ब्राउनीज पे यूज़ कर सकते हैं। ब्राउनी बहुत ही मज़े की बनती है। आप चॉकलेट केक पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी वैरायटी है, अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं आपको और बहुत सारी इसकी डिशेज़ आपको बता सकती हूँ कि आप किन किन चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो टू। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से फिर लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।